हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं एक्चुअली कुछ बाइक्स के शोरूम विजिट करने वाले हैं। ऐसी बाइक्स जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है और आप लोगों को भी दिखाने वाले हैं। बाय द वे, आज मैं नहीं गया था खाना खाने बाहर, तो दोनों दद्दा लोग गए थे खाना खाने, तो ये लोग मेरे लिए पाव भाजी लेके आए। तो उसमें पाव है, उसमें भाजी है और उसमें हमारा सैलेड है। और इधर अपनी एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। कैसे एक्स्ट्रा पाव जो मैंने मंगाए थे, तो दो एक्स्ट्रा पाव भी आए मेरे लिए। तो खाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं और आपको दिखाते हैं नई नई बाइक्स। चलो, सो हम लोग जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। एंड नॉट ऑल डेमन्स लिव इन हेल। ऑफकोर्स ये डॉज डेमन नहीं है, डॉज चार्जर है, बट मैंने कहा कुछ अच्छा सा आ रहा था दिमाग में तो बोल दिया जाए। और बाकी तो सब बढ़िया है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। एंड यहाँ पे खड़ी है कैडिलैक, सेक्सी लग रही है, ऑल व्हील ड्राइव। और एक गाना गाते हुए सब लोग चले जा रहे हैं, गाता लए मजा दिल। अरे हाँ, मजा दिल था, गाता लए मेरा दिल, मजा दिल। सो हम लोग आ चुके हैं डुकाती, और डुकाती के बगल में क्या है पता है? ये देखो एमवी अगुस्ता। अंदर भाई जबरदस्त गाड़ियां खड़ी हुई हैं और भाई क्या लुक होता है एमवी का बॉस। अभी मैं अंदर ले चलूंगा, आपको दिखाऊंगा, मतलब क्या बाइक्स हैं, यहीं से दिख रही हैं भाई। पहले एमवी चलो। एक बाइक का नाम बताते हुए तुम्हें कितना समय लगेगा? एक बाइक का नाम बताएं, आधा घंटा लग जाएगा कि एमवी अगुस्ता F3 रिपार्टो कोर्स से। गोपाल अय्यर, चिन्नास्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। सो गाइज, हम आ चुके हैं एमवी अगुस्ता शोरूम के अंदर। एंड यहाँ पे देख सकते हो F3 RR खड़ी है। ये देखो क्या लग रही है बॉस, इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब जो अपनी F3 है उसमें ये विंगलेट्स और ऐड कर दिए गए हैं, साइड विंगलेट्स, और दिस इज कार्बन फाइबर, फॉकिंग एवरीथिंग इज कार्बन फाइबर इन दिस बाइक। और ये RR एडिशन है, तो कलर देख सकते हो, टॉप ऑफ द लाइन हर एक चीज़ है। और इस गाड़ी में स्टॉक आप देख सकते हो, जो कैलिपर कूलर्स हैं वो लगे हुए हैं, मतलब इसमें इनबिल्ट है भाई, जो इसका मडगार्ड है उसी में इसमें कैलिपर कूलर्स भी हैं। तो ये नेक्स्ट लेवल होने वाली है। ऑल दो जो इसका इंजन है वो अपनी वाली का है। और यहाँ पे एक F3 खड़ी है विच इज़ रॉसो एडिशन, प्योर रेड। क्या लग रही है भाई MV, क्या बनाती है डिज़ाइंस मैन, आई एम अ ह्यूज फैन इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन यार। दिस इज़ RC रिपार्टो कोर्स से, दूसरा कलर है जो हम ओन करते हैं वो नहीं है, ये दूसरा कलर है, इट्स डिफरेंट, ब्लैक एंड सिल्वर। वॉट अ ब्यूटी मैन, सुपर्ब, क्या लग रही है। और उसके बाद बाइक विच डजेंट कम्स इन इंडिया, ऑफकोर्स द ब्रूटाले 1000 RS, बहुत अच्छी लग रही है। और अगर सही बताएं, कोई नेकेड जो इतनी खतरनाक, इतनी मस्कुलर लग सकती है, वो डेफिनेटली ब्रूटाले ही है। क्या लुक आ रहा है, एक एक पॉइंट से, एक एक एंगल से आप देख सकते हो क्या बनाया है बॉस। अरे बाप रे, बीस्ट ऑफ अ नेकेड मैन, बीस्ट ऑफ अ नेकेड। पीछे क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप एंड डायब्लो सुपर कोर्सा, टॉप ऑफ द लाइन टायर। इसके जो टायर के प्राइस है उसमें लोगों की बाइक आ जाएगी पूरी, दैट्स हाउ कॉस्टली आर डायब्लो सुपर कोर्सा, तेरा घर जाएगा इसमें। यहाँ पे भी ब्रूटाले RR कार्बन फाइबर कॉम्पोनेंट्स, हेयर कई जगह पे, दिस इज ऑल्सो कार्बन फाइबर, लॉट ऑफ कार्बन फाइबर एवरीवेयर। एंड क्या डिज़ाइन है यार, बैक लुक तो अलग ही है बॉस, ऐसा लग रहा है कि मॉड किया गया है, ऐसा बैक लुक है, बहुत ही डिफरेंट। एक एक बाइक का चाहे एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल्स देख लो, दिस इज टूरिज्मो विलोचे 800, सेम इंजन जो हमारे अगुस्ता F3 में है। एंड अटेंशन टू डिटेल्स देखो, बीच से पूरा दिख रहा है आर पार, क्या चीज़ है। और इवन इंडिकेटर्स देखोगे कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। फ्रंट लुक भी काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड लगता है फ्रॉम द अगुस्ता F3। एंड द बिग डैडी इज राइट हियर। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ब्रूटाले RR 1000, ये 1000 RR जो कहना है कह सकते हो, क्या लुक है बॉस, खतरनाक। और नाउ कमिंग टू अ सुपर स्पेशल मशीन, मैंने आपको F3 RR दिखाई, F3 RR के जो मतलब RR वाला एडिशन इसने दिखाया कितना कार्बन फाइबर है, फिर F3 का रॉसो एडिशन दिखाया विच इज़ कम्प्लीटली रेसिंग रेड। और मुझे तो इवन ये अपने रिपार्टो कोर्सेस से भी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है इस कलर में, और रेड तो अपना फेवरेट है वैसे भी। एंड लॉट ऑफ ब्रूटालेज हेयर। उसके बाद सुपर स्पेशल बाइक विच इज़ सुपर विलोचे, वो सुपर विलोचे S,
स्पेशल है। हाँ विलोचे देखिए, सुपर विलोचे एस। इसके सिर्फ ये कलर आते हैं चार एंड दिस इज द प्राइस। अगर इंडिया में आ गई तो 30 लाख तो पार समझो इसको आराम से। भाई क्या लग रही है। एंड ये सिग्नेचर कलर है इसका, दिस इज़ द सिग्नेचर कलर। एंड व्हाट अ मशीन मैन, रेट्रो लुक्स, मॉडर्न इंजन, सुपर स्पोर्ट पोस्चर, सुपर अग्रेसिव, बेस्ट इन क्लास ब्रेक्स ऑफकोर्स फ्रॉम ब्रेम्बो, डुअल डिस्क एंड एग्जॉस्ट ऑफकोर्स, द ब्यूटी, स्पेसशिप लग रही है टोटली बॉस। ये देखो क्या लग रहा है भाई, पूरा कॉकपिट लेदर फिनिश, सारी एक एक चीज़ टोटली डिफरेंट मैन, टोटली डिफरेंट। दिस इज़ हाउ द शोरूम इज़ लुकिंग। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में इससे ज़्यादा खूबसूरत मोटरसाइकिल्स और कोई ब्रांड बनाता है। अगर हम MV की बात करें तो इसकी एक मोटरसाइकिल आप पिक नहीं कर सकते जो मैं कहूँ कि मुझे अच्छी नहीं लग रही लुक में। एक एक मोटरसाइकिल इतनी ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर आप बाकी ब्रांड्स देखो, चाहे आप BMW देखो, उन्होंने नई वाली S1000 में डेफिनेटली बकवास कर दी। और आप कावासाकी देखो, आप डिज़ाइंस में बेकारी कर रहे हैं अभी भी इस टाइम भी। और MV तो भाई डिज़ाइन में तो भाई 10/10। लुक देखिए, ये भी तो है, ये भी तो है 1000। मतलब वो निकल जाएगी सन में। हाँ जन में। तो ये वही गाड़ी है? हाँ सेम है, कलर डिफरेंट है। अबे क्या बनाते हैं, डिजाइन देखिए, ये देखिए हेडलाइट अलग ही वही है। एक्चुअली ऑटोमेटिक सही वर्ड नहीं, एडाप्टिव सही है। ये सस्पेंशन क्या होता है? ये एडजस्ट कर देता है अपने आप रोड के हिसाब से। अच्छा, जैसी रोड्स होगी वो एडजस्ट करेगा अपने आपको कि कैसा वो काम करे, सॉफ्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इधर दिखा दे। नहीं आपको दिखाता हूँ ना, अनबॉक्स करना था तब भी आपको दिखा रहा था, याद है? सीट देखिए, सीट्स दोनों पुट्ठों के लिए दो सीट्स, बीच में नाली भी बनाई है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा। ये पता, ये खुलेगा उसके बाद यहाँ पे रख सकते हो, उसके बाद चला सकते हो। अपना सामान यहाँ पे रखिए फिर चलाइए, कर सकते हो फिर ठोकियों के सामान वही रह गया। ओह इसमें सारे कार्बन कंपोनेंट्स लगे हैं। इंजन केसिंग इज कार्बन फाइबर, दिस पार्ट इज कार्बन फाइबर, दिस पार्ट इज कार्बन फाइबर, दिस पार्ट इज कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर, एवरीथिंग इज कार्बन फाइबर। एज आई से, रेडिएटर बहुत ही कूल, बहुत ही सुपर्ब लग रहा है। और ऐसी कंट्री में ज़्यादा ओन करने वाली है अगुस्ता। इंडिया में शोरूम्स नहीं है, सर्विसेज नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, एक एक पार्ट, एक एक चीज़, एक एक कार्बन कंपोनेंट जो यहाँ पे रखा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, नाइस। क्या चीज़? हाँ आरपार दिखता है, मेरी वाली में भी तो आरपार दिखता है, मैंने देखा नहीं ना, पूरा आरपार दिखता है। इसको फेस कहाँ से मिलता है? पूरा खोखला है? नहीं नहीं ये टाइट है ना, एक वो है रिंग उस पर ये टाइट है, और ये बहुत जल्दी एजेक्ट होता है। क्यों? जो रेस मोटरसाइकिल्स होती है उनका ऐसे ही होता है। तो अपनी वाली MV अगुस्ता F3 रिपार्टो कोर्से का प्राइस देखते हैं दुबई में क्या है। लेट्स सी, कहाँ पे लिखा है इसका प्राइस, कहीं लिखा है? वो तो नॉर्मल वाली का है, इसका प्राइस का है। हाँ चलिए थोड़ा आइडिया तो हो ही जाएगा। 75,000 AED कितना होता है? 22 के आसपास। हाँ 16,500, 16,50,000। आप सोचो जब तो ये तो नॉर्मल है, तो इसमें 2 लाख मतलब 18, और ये गाड़ी यहाँ पे क्लोज टू 18-19 लाख की है जो रिपार्टो कोर्स एडिशन है, और वहाँ पे 26 लाख की है। इतना डिफरेंस है दुबई और इंडिया में प्राइसिंग में। तो यहाँ स्टिल ये थोड़ा वैल्यू फॉर मनी है, वहाँ तो बहुत ओवर प्राइज्ड है। और ये देखो, ये जो है ब्रुटाले, ये थोड़ा सा छोटी ब्रुटाले है ऑफकोर्स, और इसका जो पीछे का लुक है वो देखो थोड़ा नॉर्मल है, मतलब थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है स्टिल, है तो बहुत सेक्सी। जो MV की बाइक है वो ऑलरेडी ऐसा लगता है कि फ्यूचर से आई है। आप आने वाले फ्यूचर में ये क्या बनाने वाले हैं मुझे आइडिया नहीं। ऐसा लुक है, क्या बना डाले हैं, अलग ही एकदम लग रही है। इससे तुम निकलोगे ना तो सारी नज़रें हैं तुम पे ही होंगी बाइक का, सब सोचा रहे इंडिया में नहीं लेके चले गए ना। हाँ खत्म। इसकी प्राइस क्या है? 1,15,000 AED, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस एक्सक्लूडेड, इंक्लूडेड है नहीं वो अलग से उसके ऊपर। पता है इसकी ओवर स्पीड कितनी है? ओवर 300 किलोमीटर पर है, मतलब निकल जाएगी, चीर फाड़ देगी भाई। 0-100 3.15 सेकेंड्स। नहीं H2 का 2.9 है, H2 का शायद 2.9, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट हाँ काफ़ी बड़ी बाइक से तेज़ है। हमें देखना है इसका टॉर्क कितना है, टॉर्क और BHP कितना है। टॉर्क और BHP यहाँ लिखा होगा। सो दिस इज़ ड्रैक्स्टर रोसो। तो ये आपको एक अनडाउटेडली एक ब्रुटाले लगेगी, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो ये सारी इटालियंस हैं, तो वो ब्रुटाले है, ये ड्रैक्स्टर है, तो डिफरेंस
थोड़ा ही बहुत होगा। ये देखो इसके जो लाइट है छोटी, इसकी लाइट थोड़ी बड़ी लग रही है शायद। नहीं यार सेम साइज़ है, दूर से देखने पे सीट्स डिफरेंट है। देखो सीट्स, ये देखो दिस इज़ डिफरेंट, दैट इज़ अ सिंगल सीटर मोटरसाइकिल। पीछे बैठा सकते हो किसी को अगर हिम्मत है तो, बैठ जाएगा इंसान। और फुटपैक देखो फिक्स्ड, नो मूवमेंट एट ऑल। तो मैंने आपको सारी मोटरसाइकिल्स दिखाई, आई होप आपको इस वाले व्लॉग में मज़ा आ रही होगी। और किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा बाइक्स के बारे में। और जो भी प्राइसिंग है ना वो यहाँ पे लिखी है देखो हर बाइक के। तो ये AED है, इसको AED टू आप INR करोगे तो कन्वर्ट करके आपको पता चल जाएगा। तो जो भी मैं प्राइसेस दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसका दिखा रहा हूँ रोसो F3 का, तो ये आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो, डाल दो गूगल पे 75,000 AED टू INR। और सेम गोज़ विद दीज मोटरसाइकिल। तो इस शोरूम की जो सबसे महंगी और सबसे ख़तरनाक मोटरसाइकिल है, ऑफकोर्स ये नहीं है वो, क्योंकि ये सबसे महंगी ये है। नहीं सबसे महंगी नहीं है, सबसे महंगी है। हाँ, और दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल मोटरसाइकिल इन द शोरूम। वो मोटरसाइकिल बेस्ड है MV Agusta F3 पे, जो अपनी मोटरसाइकिल है उस पर। और ये मोटरसाइकिल इज़ लाइक 1000 cc, टॉप स्पीड्स ओवर देन 300 km/h। और लुक तो आपको मैंने बता ही दिया, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग हाइपर नेकेड्स। इसका अगर कोई कॉम्पिटिशन है तो वो है सुपर ड्यूक 1290। और कोई बड़ी बाइक यार एज सच नेकेड में मुझे याद नहीं आ रही है, तो यही उसका एक कॉम्पिटिशन। और ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मोटरसाइकिल इन MV Agusta राइट नाउ इस शोरूम में। F4 होती वैसे तो, बट F4 है नहीं यहाँ पे। द प्राइस इज़ 1,45,000 AED। इसको कन्वर्ट कर लो और पता कर लो कितने की है दुबई में। इंडिया में तो भाई 8-10 लाख और जोड़ लो। सो इट्स टाइम टू लीव एंड चलते हैं होटल वापस, वहाँ पर चल के वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। एंड दिस वॉज अ ब्यूटिफुल MV Agusta शोरूम, इटालियन चिक्स ऑल अराउंड। सो आई होप आपको ये वाला व्लॉग, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने बाइक्स देखी, कमेंट करके बताना कैसी लगी और कौन सी बाइक्स आप चाहते हो इंडिया में आए। डेफिनेटली इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। सी यू थ्रू द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ। राइड हार्ड, राइड सेफ मैंने इसलिए बोला बिकॉज ये बाइक्स का व्लॉग था, वैसे तो हम ट्रिप पे हैं तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है।